आज की वीडियो में मैं आपको चाइना के 20 ऐसे स्कॉलरशिप्स के नाम बताऊंगा और उनकी डिटेल बताऊंगा जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इनमें जो मेजॉरिटी स्कॉलरशिप्स हैं वो हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए, जबकि कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे भी हैं जो कि हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो अगर जो स्टूडेंट्स पाँचवें, छठे, सातवें या फिर आठवें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं बैचलर के, या फिर मास्टर्स के सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, या जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन स्कॉलरशिप्स के नाम बताने से पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें बता दूं चाइना के हवाले से। सबसे पहले अगर बात करें आयर्स की, तो आयर्स जो है वो चाइना में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अप्लाई करने के लिए आयर्स चाहिए होता है, अदरवाइज़ आप मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में आप बग़ैर आयर्स के अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होगा जो कि आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वो इशू करेगी। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं कि आपको पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा, और बेहतर यही होता है कि आप पहले किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, भले वो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है या नहीं कर रही। इससे ये होता है कि आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की नहीं होती। चाइना में तकरीबन जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो आपकी यूनिवर्सिटी की हो सकती है। उसके बाद अगर सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात करें, तो जो सबसे पहला स्कॉलरशिप है और ये काफ़ी फेमस स्कॉलरशिप है, जिसको कहते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर CSE स्कॉलरशिप। और ये वो स्कॉलरशिप है जो कि ऑफ़र किया जाता है बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और इसी स्कॉलरशिप के थ्रू सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं चाइना में बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसके अंडर तकरीबन 279 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं चाइना की, और इसकी डेडलाइन वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मतलब कि जो CSE स्कॉलरशिप है उसकी अपनी कोई डेडलाइन नहीं होती, जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है उसी डेडलाइन के अंडर आपने रहते हुए CSE पोर्टल पर भी अप्लाई करना है। CSE स्कॉलरशिप जो है उसमें अप्लाई करने के तीन तरीके हैं, एक होता है टाइप ए, एक होता है टाइप बी और एक होता है टाइप सी। टाइप ए जो होता है वो होता है HEC के थ्रू, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, उसके थ्रू होता है। यानी कि आपने सबसे पहले हेड टेस्ट देना होता है, वो पास करने के बाद आपने HEC के पोर्टल पर अप्लाई करना होता है, और CSE का जो पोर्टल है campuschina.org उसके पोर्टल पर आपने अप्लाई करना होता है। एक होता है टाइप बी, जिसमें आपने अप्लाई करना होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में, यानी कि आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है और उसके बाद CSE पोर्टल पर भी आपने अप्लाई करना है। एक होता है टाइप सी, जिसमें होता है एम्बेसी के थ्रू, यानी कि आपने जो एम्बेसी है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है CSE स्कॉलरशिप के हवाले से। उसके बाद दूसरा स्कॉलरशिप है ANSO स्कॉलरशिप, जो कि चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, और इसके अंडर तकरीबन दो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, USTC और UKS। USTC जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी UKS है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज। और इन दो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर तकरीबन 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के थ्रू। और इसकी जो डेडलाइन होती है वो यूजुअली फरवरी में होती है, यानी कि फरवरी से पहले पहले आपने या फिर UKS या USTC के पोर्टल पर आपने अप्लाई करना होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल पर ही अप्लाई करना होता है, या फिर UKS या फिर USTC। वो डिपेंड करता है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ से मिला है। और जो ANSO स्कॉलरशिप है वो सिर्फ ऑफ़र किया जाता है मास्टर्स के लिए और PhD के लिए। ये स्कॉलरशिप बैचलर के लिए ऑफ़र नहीं किया जाता है। और इनके जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होते हैं वो तकरीबन 500 होते हैं, जिसमें से 300 PhD के लिए होते हैं और 200 जो है वो मास्टर्स के लिए होते हैं हर साल। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप या फिर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, जिसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी कहा जा सकता है। ये स्कॉलरशिप जो है मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, और ये पार्शली फंडेड भी होता है, फुली फंडेड भी होता है। और इसकी जो डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। और ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑफ़र किया जाता है बैचलर, मास्टर्स और PhD, ये तीनों जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद जो चौथा स्कॉलरशिप है वो है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप,
और ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑफर किया जाता है 90 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, यानी कि 90 यूनिवर्सिटीज़ ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और ये जो 90 की 90 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मौजूद हैं बीजिंग में, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। और इसकी अगर डेडलाइन की बात करें तो ये डेडलाइन जो है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पांचवें नंबर पर स्कॉलरशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कॉलरशिप है, और ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है तकरीबन 8 या 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और इसकी जो डेडलाइन है वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, और आप बिल्कुल इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। उसके बाद छठे नंबर पर है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है तकरीबन 35 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और ये जो 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये शंघाई में है, शंघाई सिटी में, और इसकी जो डेडलाइन है वो भी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है ये भी बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। उसके बाद सातवें नंबर पर है जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप के थ्रू भी आप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप के अंडर तकरीबन 7 या 8 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आती हैं, जो कि ऑफ़र करती हैं, सो इस स्कॉलरशिप पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आठवें नंबर पर जो स्कॉलरशिप है वो है हुबे प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तो 11 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वो आई थिंक 2016 की अपडेटेड वो लिस्ट है, तो इस वजह से वो शायद कम यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं, लेकिन आप 24 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो हुबे प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के थ्रू बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो नौवें नंबर पर स्कॉलरशिप है वो है ग्वानशी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दसवें नंबर पर है सिचुआन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद ग्यारहवें नंबर पर है लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और उसके बाद बारहवें नंबर पर है यूनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये जो यूनान है ये भी एक प्रोविंस है, और इसके अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और इसकी जो डेडलाइन होती है वो तकरीबन अप्रैल के आसपास की होती है। उसके बाद 13th नंबर पर है फुजियान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये फुजियान प्रोविंस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, और उसके बाद 14th नंबर पर है नंजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और ये जो स्कॉलरशिप है ये 14 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और उसके बाद है 15वें नंबर पर है हेनन प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और इसके अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो हेनन प्रोविंस में हैं। उसके बाद 16वें नंबर पर है चोंगछिंग म्यूनसिपल गवर्नमेंट मेयर स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप जो है वो बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए ऑफ़र किया जाता है, और ये जो स्कॉलरशिप है ये इसकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है, और इसमें एक यूनिवर्सिटी है जो कि है चोंगछिंग यूनिवर्सिटी, उसकी जो डेडलाइन होती है वो अप्रैल होती है। उसके बाद 17वें नंबर पर है, यानी कि 17th नंबर पर है डालियान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, 18वें नंबर पर है छिंगदाओ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद ये जो छिंगदाओ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये ऑफ़र किया जाता है बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और इसकी जो डेडलाइन होती है वो अप्रैल से जून के दरमियान होती है। उसके बाद 19वें नंबर पर है चेचियांग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये भी इनका प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है जो कि बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, और इसकी जो डेडलाइन है वो तकरीबन अप्रैल, मई या जून तक होती है, इसके दरमियान होती है, तो इस स्कॉलरशिप पर भी आप अप्लाई कर सकते हो बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। उसके बाद जो आखिरी स्कॉलरशिप, जो 20वां स्कॉलरशिप है वो है निम्बो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, आप ये आप निम्बो में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, आप इस स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे तकरीबन 20 स्कॉलरशिप, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इनके प्रोग्राम्स हैं स्कॉलरशिप के,
जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो ये 20 स्कॉलरशिप हैं, आप इनको टारगेट कर सकते हैं अगर आप बैचलर मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना। लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि चाइना की जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 97-95% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सिर्फ सितंबर इनटेक होती है, यानी कि वो जो स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन करते हैं वो सितंबर इनटेक के लिए करते हैं, और उनकी जो डेडलाइन होती है वो जनवरी फरवरी से लेकर उनकी डेडलाइन होती है, तकरीबन जो यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं वो मई तक जाती हैं, तकरीबन कुछ चंद एक हैं जो जून तक भी शायद जाती हों, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है वो फरवरी मार्च की होती है। सो आप लोग लाजमी, अगर आपका पाँचवा सेमेस्टर है, छठा है, सातवां, आठवां, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है अभी, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करने के लिए सितंबर 2025 से पहले पहले आपके पास ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको मिल जाएगी तो आप बिल्कुल अपने छठे, सातवें या पाँचवें सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो। आप लाजमी अप्लाई करो स्कॉलरशिप के लिए। और उसके अलावा मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स करनी है, और ईमेल्स स्टार्ट करनी है आपने सितंबर में, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपने अपनी जो ईमेल्स हैं वो स्टार्ट कर देनी है, सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक से स्टार्ट कर दें। और ईमेल्स करने के बाद अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, और आपने जो ईमेल्स के लिए प्रोफेसर कैसे ढूंढने हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे ढूंढनी है, उस पर मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि कैसे आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है campuschina.org उस पर जाकर आप कैसे अपनी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हैं, उसके बाद उसमें से आप कैसे अपने प्रोफेसर्स ढूंढ सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, आंसू स्कॉलरशिप के लिए या कोई और स्कॉलरशिप जो हैं उनके लिए आप किस तरीके से प्रोफेसर ढूंढ सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने जस्ट आपको नंबर वाइज आपको स्कॉलरशिप का बता दिया है, और जो नेक्स्ट आने वाले दिन हैं यानी कि जून जून ये स्कॉलरशिप अनाउंस होंगे, तो साथ साथ मैं सेपरेटली एक एक स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट है, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वाकई जेन्युइनली आप जो है वो चाहते हैं, आप जो है वो फॉरेन में डिग्री हासिल करना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ना सिर्फ चाइना बल्कि डिफरेंट और भी कंट्रीज़ की जो स्कॉलरशिप्स हैं उन पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगेबान।